हेलो प्लेयर्स, दिस इज़ माय रिव्यू ऑफ निविया रबोना और निविया स्टेट ऑफ ट्रेनिंग फुटबॉल शूज़। सो स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो हैव अ गुड गेम चैनल को यूट्यूब पर, और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि नेक्स्ट रिव्यू अनबॉक्सिंग कौन से क्रिकेट या फुटबॉल शू या क्रिकेट या फुटबॉल प्रोडक्ट का आपको देखना है। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसका अपर जो है अपर बना हुआ है पीवीसी सिंथेटिक लेदर से, और इसका जो आउटसोल बना हुआ है वो पूरा रबर से बना हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी स्टड्स की हाइट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा स्टड्स है, तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर टर्फ ग्राउंड, मतलब टर्फ पे खेलने के लिए। आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी स्पोर्ट खेलो टर्फ पे, तो उसके लिए परफेक्टली बना हुआ है। तो गाइज, मैंने ये फुटबॉल शूज़ ख़रीदा था 1 जनवरी 2018 को, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका ग्लू निकल गया है दैट जॉइंट्स अपर एंड द सोल, तो ये पूरा ग्लू निकल गया है। और आप मैंने ये फुटबॉल शूज़ सिर्फ टर्फ पे ही यूज़ किया था और कोई दूसरी सरफेस नहीं, नेचुरल ग्रास नहीं, सीमेंट, पेवर ब्लॉक, जो भी आप पार्किंग लॉट में फुटबॉल खेलते हो तो नहीं, मैंने उधर भी ये नहीं यूज़ किया था। मैं सिर्फ टर्फ पे जाता था और इसको यूज़ करता था। एंड एज यू गाइस कैन सी, इसका सोल अभी भी अच्छा है, आई मीन पूरा डैमेज नहीं हुआ, फ्लैट नहीं हुआ। सो यू कैन सी, देखो, दिस इज़ अ स्टिल अ डिसेंट सोल, एंड इवन दो लास्ट वीक ये फटा था, आई नेवर स्लिप्ड, ये बस यहाँ से फट गया है, आई नेवर स्लिप्ड ऑन दीज फुटबॉल शूज ऑन टर्फ ग्राउंड स्पेसिफिकली। सो गाइज, मैं ओकेजनली खेलता हूँ, आई मीन वीक में 2-3 बार बस। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आई बॉट दिस फुटबॉल शू ऑन 1 जनवरी 2018, एंड टुडे आई मीन इट्स राइट नाउ इट्स अक्टूबर 2021, सो 3 इयर्स 10 मंथ्स, एंड उसमें से 6 महीना लॉकडाउन को निकाल दो तो कम्स अराउंड 3 इयर्स 4 मंथ 3 इयर 5 मंथ्स। और खेलते टाइम आई गॉट स्टम्प्ड अलॉट एंड इट डिडंट इंजोर मी, थोड़ा बहुत स्टिंग होता है बट वो होता ही है, आई मीन वेन एवर यू प्ले फुटबॉल यू गेट टैकल्ड, थोड़ा बहुत स्टिंग होता है तो बस उतना तो गेम में चलता ही रहता है, तो है अच्छा है। आई मीन जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस इज़ वेरी पतला नहीं है, बहुत जाड़ा है, इवन द हील काउंटर इज़ वेरी स्टर्डी। एंड गाइस, बहुत सारे फुटबॉल शूज़ का यहाँ से फट जाता है, तो एज यू कैन सी इधर कुछ भी डैमेज नहीं है वैसा। तो गाइस, अभी इसका इंसोल देखते हैं। माँ बहन हो गई। तो गाइस, आई थिंक ये फोम से बना हुआ है और ये हार्ड प्लास्टिक बोल सकते हैं इस मटेरियल को, बट ये भी टूट गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और देखो गाइस, यहाँ पे स्टिचिंग दी हुई है विच आई थिंक यहाँ पे आता होगा ये स्टिचिंग, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ भी एक स्टिचिंग दी हुई है उन लोगों ने। सो आई गेस ये स्टिक भी है और ग्लूड भी है इंसोल। इवन आफ्टर रिमूविंग, ये इंसोल निकालने के बाद भी ये शूज़ बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। एंड एक बात बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स आई डिड व्हेन आई बॉट दिस फुटबॉल शूज़, कि मैंने एक साइज बड़ा लिया था, एंड वेन एवर आई वॉज शूटिंग लॉन्ग शॉट्स वगैरह तो यू नो इट यूज़ टू हर्ट माई फीट, क्योंकि मेरा फुट यहाँ से टाइट होता था बट अंदर ही अंदर इट वॉज डैंगलिंग अराउंड हियर, सो व्हेन आई शॉट लॉन्ग शॉट्स तो बहुत दर्द करता था मेरे पैर को। सो गाइज, मेक श्योर कि आप करेक्ट साइज ले लो व्हेन एवर यू आर बाइंग दीज फुटबॉल शूज। एंड कंसिडरिंग मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से 899 रुपीज़ को,
एंड दिस शू लास्टेड ऑलमोस्ट 3 or 4 months, 3 or 5 months सिंस आई एम एन ओकेजनल प्लेयर. तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप खरीद सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि आप करेक्ट साइज ले लो, और शूज़ बहुत हैवी है, एंड मेक श्योर टू यूज़ इट ओनली ऑन टर्फ सर्विसेज. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में मेंशन करो क्या अच्छा लगा वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लगा वीडियो में. एंड होप यू प्लेयर्स हैव अ गुड गेम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.